हेलो एवरीवन क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है गुड आफ्टरनून एवरीवन सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं जयंत जी गुड आफ्टरनून तो जल्दी से कनेक्ट हो भाई क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो भाई सबसे पहले तो आप सभी का एफ एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आज की सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री के बारे में आप सभी को ये बताना है क्या आप सभी के लिए मेरी वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है क्या गुड आफ्टरनून एवरीवन सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले बहुत सेशन होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्या, -क्या, कुछ जा चुके है। है? क्या हम आज का सेशन तो तो आपको पता तो चल गया होगा कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में तो चलिए गाइस सबसे पहले आज की क्लास का सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन शोन बिली यहां पे आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, है आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके एग्जाम प्रस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज इस रिएक्शन से कम से कम आपके एग्जाम में पांच से छह क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से आपके एग्जाम में पांच से छह बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके डायरेक्ट आपको का पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या कहता है ठीक है सभी को एक बार आंसर बताना भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है

वैशाली जी आपका आंसर भाई थोड़ा सा एक बार फिर से रिचेक करो आपका आंसर ये गलत है भाई फिर से रिचेक करो आपका एक बार आंसर क्या होने वाला है सिंपल सा ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पानी का एडिशन करवाना होता है कैसे करवाना होता है यूजिंग एंटी मार्कोनी रूल पानी का एडिशन यूजिंग एंटी मार्कोनी रूल सिंपल सी बात है आपका आंसर निकल के आ जाएगा

पानी का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है यदि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो तो बेसिकली हमें पता चल गया कि सर ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं हो सकता या तो आंसर गाइज बी होगा या आंसर सी होगा अब कैसे सोचेंगे बेसिकली जो पानी का एडिशन होता है गाइज वो कैसा होता है सिन एडिशन होता है

मेरे पास ये कंपाउंड था और यहां पे क्या प्रेजेंट है सी एस थ्री प्रेजेंट है अब मुझे क्या करवाना है सर इसमें करवाना है बी एस थ्री एच टू ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ ओ एच नेगेटिव हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है वेरी नाइस nice, गगन वेरी नाइस nice, बिल्कुल सही आंसर आपका सर बेसिकली यहां पे क्या होने वाला है देखो यहां पे डायरेक्ट यदि मैं प्रोडक्ट बनाने को चलू तो यहां पे मुझे करना होता है एच टू का एडिशन और इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि यदि सर पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा तो OH नेगेटिव इस कार्बन के पास जाएगा यदि हम कहते हैं ऊपर से एडिशन होता है दोनों का तो ये बिलो प्लेन चला जाएगा यस सर हमने कहा ये कहां चला गया बिलो प्लेन चला गया है पानी का एडिशन करवा दिया है सर ये हाइड्रोजन अबोधी प्लेन है अबो प्लेन है ऐसे कोई ऐसे भी तो कह सकता है कि सर यदि आने वाला पानी नीचे से अटैक कर जाए हम कंप्लीट मैकेनिज्म तो नहीं कर पढ़ रहे लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस रिएक्शन से तो भाई क्या होने वाला है हाँ बेसिकली यहां पर यह सीएस थ्री अबोदी प्लेन पहले से हम कहेंगे सर ऊपर चला जाएगा यदि पानी बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो यहाँ पे हो यहाँ पे होगा होगा हो और क्या दोनों गाइजन इनकी जब आर एस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों क्या है एक दूसरे के अनंश्यूमर है इसका मतलब क्या बनाएंगे सर अनश्य से हमें रासमिक मिक्सचर मिलता है तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मिक्सचर फॉर्म होगा गेटिंग माई पैंट एवरी वन मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट में बताया था कैसे आर एस निकालते हैं आप इनकी आर एस निकाल के देख लेना दोनों अनंश्य कहलाएंगे ठीक है क्या सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया है किसी को कोई डाउट है क्या काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा है सिंपल सा था। बस आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन मुझे एंटी मार्कोनी रूल लगाना है और पानी का एडिशन हाइड्रोजन और ओ एच दोनों एक तरफ से लगते हैं फाइनल कंपाउंड में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है क्या मैं आगे चल सकता हूं गाइज क्या मैं आगे चल सकता हूं चलिए आगे चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यह रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया आपसे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन शोन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई एसिड इनोन के मोलिक्यूल में गाइज इनमें से क्या डाले सो दैट ये इनका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन जाए कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही दे रखा है कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही दे रखा है गाइज डायरेक्ट आपसे नेम रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया भाई डायरेक्ट आपसे नेम रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया है सभी को बताना भाई क्या आंसर होने वाला इस क्वेश्चन का वेरी नाइस अल्बर्ट आइस्टीन जी क्या बात है वेरी नाइस सर डायरेक्ट नेम रिएक्शन है सभी को एक बार ट्राई करना है गाइज बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक बार ट्राई करना है यदि आप उसको सी एच टू में कन्वर्ट करना चाहते हैं देखो क्वेश्चन तो पढ़ना ही है क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल ही गया लेकिन इसके साथ एक दो अच्छी बातें और सीख लेंगे तो क्या पता है एग्जाम में काम आ जाए चलिए बेटा बात कर लेते हैं यदि मैं कहता हूं कि आपके पास यहां पे कोई C=O कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड या फिर कीटोन क्या हो सकता है ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है इसमें गाइस यदि हम डालते हैं जिंक HCl और इसमें हम डालते हैं क्या NH2 NH2 और एथिलीन ग्लाइकोल यहां पे सॉल्वेंट यूज होता है KOH की प्रेजेंस में थोड़ी सी हमें यहां पे हीटिंग करवानी पड़ती है हाइड्रजीन एथिलीन ग्लाइकोल एंड कीओट्स की प्रेजेंट में थोड़ी सी हमें क्या करवानी पड़ती है हीट करवानी पड़ती है तो बेसिकली गाइस दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट बन जाएगा मतलब हम कहेंगे सर एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है भाई ये रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में हो रहे गाइस इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन यदि मैं बात करता हूं बेसिक मीडियम में यदि आप रिडक्शन करवाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइस वुल्फ किसनर रिडक्शन वुल्फ किसनर रिडक्शन ये बात आपको पता होना चाहिए बेसिकली सर हमें पता चल गया है कि यहां पे क्या हो रहा है एसिड तो ऑफ इनोन में कीटोनिक एक मोएलिटी दे रखी है इसमें यदि मैं एन एस 2 एन हाइड्रोजन के और हीटिंग कंडीशन डालता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास इथाइल बेंजीन बन जाएगा वेरी नाइस nice, गगनप्रीत जी वेरी नाइस nice. बिल्कुल सही रिडक्शन का क्वेश्चन है आपको रिजल्ट का पता होगा तो ही आप अपने एग्जाम में बढ़िया कर सकते हैं आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यहां पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बोलो भाई क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं किसी को कोई डाउट है यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है गाइस क्या हम आगे चलते हैं चलिए आगे चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन है यदि आपको यह पता है कि कौन रिएजेंट क्या करता है आप बता देंगे आंसर क्या कह रहा है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू इन द ट्रांसफॉर्मेशन श्योन बिलो कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये आपके पास पी है उस पी में हमें क्यू मिलाना है और यहां पे एल्कोहल बनाना है कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है ये आपको बताना है भाई काफी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है सभी को वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना चाहिए जो भी स्टूडेंट सी यू टी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई बार बार सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में तो आपको ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना आपके पी वाई क्यूज में आप एनालिसिस कर पाते हैं तो आपको वही टॉपिक तो सबसे पहले देखने का ही यदि आपका मन कर रहा हो कि कुछ ज्यादा ही पढ़ के जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको पीवाई क्यूज का एनालिसिस पता होना चाहिए कि रिएजेंट केमिस्ट्री से क्या पूछा जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री से क्या पूछा जाता है जब मैं बात कर रहा हूँ एल डी हेड की टोन से क्या पूछा जा रहा है और जब हम एल्कोहल फिनोल इथर की बात करते हैं वहां से क्या पूछा जा रहा है मतलब आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हमें क्या पढ़ के जाना है एग्जाम में जहां से बार बार हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो कंसेप्ट तो बिल्कुल पढ़ जाना है भाई ठीक है चलिए जल्दी से आंसर बता दो मेरे को क्या आंसर होने वाला यहां क्या जिस भी स्टूडेंट को पता होगा वो आराम से बता सकता है क्या बात है वैशाली जी क्या बात है सभी को ट्राई करना है सभी को ट्राई करना है ऑप्शन में कोई एल है उसमें क्या डर हाइड्रोजिन यही है सीयूटी दो हजार सोलह और सी यू मतलब तो टी ये दो हजार सत्रह मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल एज इट इज आ गया क्या बात है वेरी नाइस गगनप्रीत जी आपका आंसर मतलब ए ऑप्शन कह रहे कि वुल्फ किसनर होगा गगनप्रीत जी मैंने अभी आपको बताया देखो भाई वुल्फ किसनर में क्या होता है यदि कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो आपके पास उसमें एसिडिक मीडियम में क्या होता है एल्कीन बनता है बेसिक मीडियम में भी क्या बनता है एल्कीन बनता है एसिडिक मीडियम को बोलते हैं हम क्या क्लीमेंसन रिडक्शन बेसिक मीडियम को हम बोलते हैं वुल्फ किसनर रिडक्शन मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्यों क्यों नहीं हो सकता गाइस यहां पे क्योंकि एल्डिहाइड ये किस में कन्वर्ट होगा सर ये जो कार्बोनिल कार्बन जो हमारे पास है मतलब सी डबल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब यहां से तो मुझे RCS3 मिलेगा एल्केन मिलेगा बनाना क्या है बनाना बनाना है भाई। बनाना है भाई गगनप्रीत समझ में आए भाई एल्डिहाइड और कीटोन का जब आप वुल्फ किसनर रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है सर एल्केन बनता है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता एल्कोहल बनाना है आपको आगे चलो आगे चलो गाइस आगे क्या ख्याल है आपके काफी बढ़िया क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन है का आगे मैं चलता अब मैं चलता अब अपोजिट चलता हूं ठीक है सर ये क्या है एल्डिहाइड साथ में क्या डाल रखा है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सर ये तो टोलेंस रिएजेंट बनाएगा भाई यहां से क्या बनेगा सिल्वर नाइट्रेट में जब मैं अमोनिकल सोल्यूशन फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो क्या बनता है भाई टोलेंस रिएजेंट सर क्या होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या करेगा गाइज एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सीडाइज कर देगा Getting my even, आप silver mirror test ही तो 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 पढ़ते हैं हो हो हो. हो आपके पास, चाहे उसमें यदि मैं मैं क्या क्या डालता डालता बोले होता है? Aldehyde, हो जाती है. जाती इसका मतलब ये वाली एलडी हाइड गाइज क्या हो जाएगी ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो एसिड का साल्ट बन गया है तो मतलब ये भी आम नहीं हो सकता आगे चलता हूं सर ये क्या है मेरे पास एस्ट्रोइी है आर सी डबल ओ ओ टी क्या है भाई ये एस्टर है क्या एस्ट्र को रिड्यूस करने के लिए हम एन ए बी एस फोर यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते किसको यूज करते हैं आप एल्डिहाइड हो कीटोन हो एसिड क्लोराइड हो उनका रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं एन ए बी एच फोर सोडियम बोरोहाइड्राइड सर एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है एन ए बी एच फोर गेटिंग माई पेंट नोट एवरी वन गेटिंग पॉइंट तो इसका मतलब मैं कहूंगा सर ये आंसर भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि बेटा ये आपके पास एस्टर दे रखा है एस्टर का रिडक्शन हम एन ए फोर से नहीं करवा सकते एस्टर किस किस का करता है एल्डिहाइड डी का करता है कीटोन का करता है एसिड क्लोराइड का करता है एस्टर एन ए फोर जो रिडक्शन करता है लेकिन एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है मतलब हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा अब बच क्या गया अरे सर ये एस्ट्रोमोइटी है साथ में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोल डाल रखा है रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहां पे फॉलो और गाइज इसको आप क्या बोलते हैं ब्लैंक रिडक्शन यदि आपने पढ़ा हो तो हां सर एस्टर का रिडक्शन मैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोल करवा सकता हूं जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक रिडक्शन गेटिंग माई पॉइंट तो इसका मतलब कहेंगे सर ये भी मुझे पता था ये भी पता था ये पता था इसके बारे में नहीं भी पता तो गाइज आंसर यही होगा

एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना होता है कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता हो अब देखो भाई मेरा को तो भाई ना ए सी और डी के बारे में पता था बी के बारे में नहीं पता था मैंने क्या किया सर मैंने उल्टा करना स्टार्ट कर दिया जिसके बारे में मैं मेंसेंट श्योर था उसको पता चल गया प्रोडक्ट वो क्या बना के देंगे एल्कोहल नहीं बनाएंगे सर एक के बारे में नहीं पता तो वो आंसर हो जाएगा वही क्या देगा एल्कोहल देगा गेटिंग माई पॉइंट एग्जाम में आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो मतलब मैं कहूंगा सर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है गाइस अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले बेसिकली बोवेल ब्लैंक रिडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्या है आपके पास कोई एस्ट्रामोइटी है भाई क्या है एस्ट्रामोइटी है में हमने क्या डाला है सर सोडियम डाला है और थोड़ा सा हमने इथेनॉल डाला है सोडियम क्या करता है सर मेटल दुनिया में एक ही काम करता है क्या काम करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यदि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो भाई सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन carbon और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बोन क्लीवेज होती है क्या होती है उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है अब ये जो सोडियम मेटल जो है भाई ये सोडियम मेटल क्या देगा सर एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन देगा ये इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा या तो ये कार्बन लेगा या ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तो हम कहेंगे सर ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम मेटल के द्वारा जिसने सोडियम मेटल ने जिसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने कौन ले लिया ऑक्सीजन ने ले लिया कार्बन पे क्या आएगा भाई रेडिकल आ गया हाँ वो तो यहीं से जनरेट हो गया है अब नेक्स्ट हमने इथेनोल इथेनोल में एच पॉजिटिव होता है सर बिल्कुल होता है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ये H किसके पास चला जाएगा ओ नेगेटिव के पास चला जाएगा तो हम कहेंगे सर ओ OH बन गया इस कार्बन पे अभी भी क्या है रेडिकल है

एस्टर को सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है एल में मतलब आप यहां तक पहुंच गए अब बिल्कुल सेम गाई जो अभी आपने क्या वैसे वैसे सेम करते चलो वही इसका होमोलिटिकल करवा दो ऑक्सीजन पे रेडिकल आएगा फिर वो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर से एच पॉजिटिव ले लेगा ऑक्सीजन एल्कोहल बन जाएगा कार्बन पे फिर क्या है रेडिकल है फिर एक इलेक्ट्रॉन खा जाएगा कार्बन पे नेगेटिव आएगा फिर एच पॉजिटिव इसका ले लेगा इस फाइनली क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा मतलब हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ सोडियम मेटल और इथेनोल का काम है और कोई भी काम नहीं है गेटिंग माई पॉइंट टू नोट एवरीवन एस्टर सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड फर्दर रिडक्शन करके सर एल्कोहल बना लेता है बोलो भाई किसी को कोई डाउट है यहां तक यहां तक किसी कोई डाउट है गाइस इस मैकेनिज्म को समझने में किसी कोई डाउट है क्या कितना बढ़िया मैकेनिज्म है बस सोडियम का काम है और यहां पे इथेनॉल का काम है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बोलो भाई जल्दी से क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यस और नो एवरीवन यस और नो एवरीवन

सेल्फ रजिस्ट्रेशन गाइस जैसे ही आप करते हैं तो यहां पे आपको क्या जाना है यहां पे एमएससी एंट्रेंस वाले सेक्शन में चले जाना है वहां पे आपको मिलेगा आईआईटी जैम टीफर डीयू बीएचयू जेएनयू ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करना है यदि आप एमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपतेदे गाइज आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको कुछ फ्री वीडियो भी मिलेंगी यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसको आपको क्या करना है क्लिक करना है जैसे गाइज क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जिस भी पार्ट का आप टेस्ट देना चाहते हैं उस पर क्लिक करना गाइड टेस्ट पे ऊपर क्लिक करना तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा टेस्ट देने के बाद आपको अपना रिजल्ट मिल ही जाएगा आपने क्या किया है क्या नहीं किया है यदि आपको शक होता है कि सर मेरे को कौन से कौन से क्वेश्चन में डाउट हुआ है कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है उसका डिटेल में आपको वहां पे क्या मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा मतलब आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यदि आप एमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है सिंपल सा क्या करना है आई एस अपलीकेशन डाउनलोड करना है सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है टेस्ट को देना है ओके और चलिए इतनी सी बात थी आपके लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है

जो रिडक्टिव में एल डी हाइड बनता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाता है लेकिन किटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है सिंपल सा कंसेप्ट है आप मेरे को आंसर बता दो जल्दी से क्या आंसर होने वाला यहां पे बता भाई क्या आंसर होने वाला है नहीं गगनप्रीत एक बार फिर से ट्राई करो भाई फिर से ट्राई करो ऑक्सीडेटिव की बातें हो रही है वैशाली जी आपका आंसर सही है गगनप्रीत एक बार फिर से ट्राई करो आपने जो आंसर बताया बेटा ये क्या है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव का आंसर बताया आपने मैंने आपको सबसे पहले बताया ना हाँ तो यही तो कहते हैं भाई आप ना गलतियां जो हैं वो क्लास के अंदर कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में गलती आ गई तो आपको रिग्रेट करना पड़ेगा कि क्या सोचेंगे अरे सर हमें ओजोन से, से पता तो था कैसे प्रोडक्ट बनाना है लेकिन बस ये भूल गए कि ऑक्सीडेटिव में क्या था रिडक्टिव में क्या था एग्जामिनर सेंटर के बाहर जब आएंगे तो आपको तो सर ये तो ऐसे होगा आंसर आंसर ये ऐसे होगा बेटा हर चीज डिपेंड करते आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक बात जरूर ध्यान रख लेना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट बनेंगे ठीक है वेरी नाइस तो सर इसका आंसर होने वाला है डी चलिए भाई वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी सर टू मिथाइल टू ब्यूटीन है सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बोंडच सी एस थ्री इसका गाइज मुझे क्या करवाना है ओजोनोलाइसिस करवाना है मान लोजोन ओ थ्री सीसी फोर एज ए सोलवेंट लेते हैं साथ में हमें क्या लेना पड़ता है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव के लिए फॉर एग्जाम्पल एच टू टू लेते हैं जब मैं अपनी एमएससी कर रहा था तो मैंने अपनी रिसर्च में काफी किया है मैंने मैंने मतलब MSC जो प्रोजेक्ट होता है उसमें काफ़ी बार मैंने, कम से कम गाइज अपने हाथ से मैंने पंद्रह से बीस बार ये खुद से की है ठीक है मैं रिडक्टिव ओजोनिस करता था मैक्सिमम टाइम क्या होता है गाइज इसमें बेसिकली हमें डबल बोन को तोड़ना है यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे एक बनेगा एसीटोन और एक बनता है आपके पास एसिटल डिहाइड इस एसिटल डिहाइड का फर्दर हम क्या करवा देंगे ऑक्सीडेशन करवा देंगे क्यों ऑक्सीडेटिव है सर। और लैब में काफी इजी रिएक्शन है लेकिन बस आपको थोड़ा ओजोन जब ओजोन पास करवाते हैं अपने रिएक्शन मिक्सर में से तो थोड़ा सा दूर होना पड़ता है स्मेल जो आती है ओजोन की स्पोकेटिंग होती है बहुत सर में दर्द भी हो सकता है ठीक है उसमें आपको पेल ब्लू कलर देखने को मिलता है यदि ऑक्सीजन कंप्लीट पास ऑन हो गई है इंडिकेशन होता है आपको माइनस में मैं रिएक्शन करता था माइनस एट सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती थी जब मैं करता था उस टाइम चलिए आगे चलूँ गाइस क्या मैं आगे चलूँ क्या मैं आगे चलूँ सभी को समझ में आ गया है तो यस यस गगनप्रीत आपने बिल्कुल सही बोला है बिल्कुल ही सही बोल दिया आपने सर यदि ये ऑक्सीडेटिव हटा लेता और ये कहता सिर्फ मेरे को ये बताओ ऑक्सीडेटिव की जगह मैं रिडक्टिव करवाना चाहता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही बोला आपने ऑक्सीडेटिव की बात होती है देखो रिडक्टिव में क्या होता है बेसिकली रिडक्टिव में सिर्फ एल या फिर कीटोन बनेगा डिपेंड करता है एल्किन की शकल कैसी है डिपेंड करता है एल्किन की शकल कैसी है ऑक्सीडेटिव में कुछ नहीं करना रिडक्टिव का प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है

आंसर होने वाला है यहां पे मतलब कि सर यहां पे जो एल्किन सिस्टम होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा मेन बात इतनी है एल्किन सिस्टम होगा भाई वो कैसा होगा सिमेट्रिकल होगा मतलब आपको क्या बेसिकली क्या करना है सभी की शकल बनानी है उसके बाद चेक करो भाई कहां पे मुझे सेम कंपाउंड देखने को मिलेगा गगनप्रीत क्या कर रहे हो भाई आप क्या कर रहे हो फिर से ट्राई करो हाथ में कॉपी पेन लेके बैठना भाई जब भी आपकी क्लास होती है खासकर गाइस केमिस्ट्री की क्लास जब होती है और ऑर्गेनिक में ज्यादा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं आती है समझ में जब तक कॉपी पेन नहीं लेंगे तब तक आंसर नहीं बता पाएंगे गलती होने के काफी चांस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान रखना है तो सिंपल एक ही कंसेप्ट है कॉपी और पेन इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बिना कॉपी पेन सिखा देगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है ऑर्गेनिक तो कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख में मतलब समझ में आएगी सर बेसिकली मैं चला पहले वाले पे क्या कह रहा है एच डबल बोन्ड सी सी एस थ्री एच सी एस थ्री सी एच टू सी एस थ्री चलिए भाई इसका नाम देख लेते हैं क्या हमने सही किया है थ्री फोर डाई मिथाइल है मैं डबल बोन्ड को तोड़ूंगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं सर बात नहीं बन सकती बिल्कुल बात नहीं बन सकती वो दोनों शिष्य करवाएंगे तो. तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता चले भाई मैं बी पे चलता हूँ थ्री फोर डाई मिथाइल है इस डबल बॉन्ड को यहां है सिंपल सा सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बोन यहां क्या बात बनती हुई दिख रही है गाईस? सर बिल्कुल दिख गई सिमेट्रिकल है भाई कैसा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या सिमेट्रिकल है यस सर कैसे भाई तोड़ के देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लग जाएगा क्या बनेगा ब्यूटेन टू ओन बनेगा ब्यूटेन टू ओन दोनों मोलिक्यूल इसका मतलब क्या कहूंगा मैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है आपको एक बार अभी ट्राई करना है आपको अभी ट्राई करना है ये दोनों चेक करके टू थ्री डाई मिथाइल है आपको अलग अलग कंपाउंड दिख रहे हैं बता भाई एक बार चेक करके बताओ गाइज मेरे को क्या आपको सी और डी में अलग अलग कंपाउंड दिख रहे हैं एक बार प्लीज जल्दी से बताओ गाइज क्या करना है बेसिकली सर इस कार्बन पे लगाऊंगा इस पे लगाऊंगा अरे भाई पहले से हमने अनसिमेट्रिकल बना दिया नहीं हो सकता आंसर बात खत्म क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गाइस क्या हम आगे चलें क्या आगे चलें गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गगन काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे क्या है सीयूटी 2018 का क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ही आई है गाइस पता नहीं कितनी बार ही आई है सिर्फ हाइड्रोक्सिमरक्यूरेशन डीमरक्यूरेशन नहीं आई गाइस हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन काफी बार आई है क्या कह रहा BS3, H2O2, OH Sir, क्या है द करेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड दैट गिव्स सेम प्रोडक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद बी एस थ्री एच टू टू ओ एच नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाई है बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका आपको बस कंपाउंड की शक्ल बनानी है आंसर निकल के आ जाएगा भाई ट्राई करो फिर से जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है विल बी दी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन बेसिकली सर यहां पे जब मैं बात करता हूं ए ऑप्शन की तो देखो ए ऑप्शन में क्या है भाई एक मैं आपको बता देता हूं उसके बाद आप मेरे को बता देना ठीक है ये कह रहा है कि सर फोर इथाइल वन मिथाइल साइक्लोपैंट वन इन फोर इथाइल वन मिथाइल सर ये मैं कहता हूं सी एस थ्री वन टू थ्री फोर फोर इथाइल वन मिथाइल साइक्लोपैंट वन इन इसका क्या करवाना है एचबीओ करवाना है क्या करवाना है भाई एचबीओ बीएस थ्री

क्या ये एक है सर नहीं है तो मतलब एक तो नहीं है एल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट एक नहीं है ये नहीं हो सकता क्या कह रहा है द करेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड दैट गिव द सेम प्रोडक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद बी एस थ्री एस टू टू ओ एच नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाई नहीं हो सकता वेरी नाइस nice. विशाली जी आप वैशाली जी आपका आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट चलता हूं सर अब की बात कह रहा है कि तीन पोजीशन पे इथाइल लगाओ एक पे लगाओ मिथाइल चलिए भाई ये भी कर लेते हैं कह रहा है तो करना ही पड़ेगा सर वन पे क्या बोला इसने वन पे लगाओ भाई मिथाइल तीन पे लगाओ इथाइल इसे करवा दो इसका करवा के देखो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा सर अटैकिंग गो टू दैट इन विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जैसे आप एच बी ओ करवाएंगे तो यहां पे क्या लगेगा ओ एच और यहाँ पे भाई क्या है सीएस और यहां पे क्या है इथाइल आगे चलता हूं नेक्स्ट कह रहा है सर ये वन इथाइल थ्री मिथाइल आपकी बार इनकी पोजिशन चेंज कर दी चलो भाई पोजिशन चेंज हम भी कर देते हैं वन पे इथाइल है वन पे इथाइल है सर तीन पे मिथाइल है एचबीओ करवा देते हैं क्या करवा देते हैं गाइस इसका एचबीओ करवा देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जैसे गाइस इसमें आप एचबीओ करवाएंगे यहां पे क्या है सर इथाइल यहां पे ओ एच और यहां पे है को क्या ये दोनों सेम है क्या ये दोनों सेम है अरे सर बिल्कुल सेम है कैसे गाइज कैसे सेम कह रहे हो आप मेरे को बता सकते हैं क्या बिल्कुल बता देंगे सर फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड पे इथाइल आएगा फिफ्थ पे मिथाइल आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड पे इथाइल फिफ्थ पे मिथाइल देखो भाई इथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है मिथाइल में एम बाद में आता है इसका मतलब सर दोनों प्रोडक्ट क्या है बिल्कुल सेम है दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है गेटिंग ऑन वेरी नाइस गगनप्रीत जी बिल्कुल ही सही बिल्कुल ही सही आगे आप खुद बना के देख लेना अपना आंसर आ चुका है गाइस अब आगे आंसर आप खुद बना के देख सकते हैं मैंने आपको ए ऑप्शन समझा दिया कि ए कैसे नहीं हो सकता बी कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है कोई डाउट है किसी को किसी को कोई डाउट है गाइस अब देखो इसमें ना कंसेप्ट कितना बढ़िया पूछ लिया है कंसेप्ट आपसे क्या क्या पूछ लिया भाई इसमें आईपीएक का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किसको मैं नंबरिंग करूंगा किसको नहीं करूंगा आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का डायरेक्ट स्टेप पता होना चाहिए कि क्या करना पड़ता है उसमें पानी का एडिशन एंटीमार्कोनि रूल ये पता होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे बोल भाई किसी को यहां तक कोई डाउट है किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बोल दो भाई क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

जल्दी बताओ भाई मेरे को क्या आंसर होने वाला है सिंपल सा क्वेश्चन है बस थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का देख लेना कि सर कैसे एडिशन होगा आप बता सकते हैं गाइस क्या आंसर होगा वट विल बी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन क्या बात है वेरी नाइस गगनप्रीत जी क्या बात है वेरी नाइस nice. बिल्कुल ही सही वेरी नाइस वैशाली जी बिल्कुल सही आंसर है आपका भी सर बेसिकली यहां पे क्या है सीधा मुझे दे दिया HBO की कंडीशन बस बात खत्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कंडीशन है क्या करवाते हैं भाई पानी का एडिशन करवाते हैं कैसे करवाते हैं एंटी एंटीमार्कोन्यूल से फाइनल में क्या होता है एच का जो एच और OH का एडिशन होता है एक तरफ से होता है चलिए भाई आगे चलते हैं सर ये एल्किन सिस्टम इस कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन इस कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं है तो क्या करेंगे Sorry, है सर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब मुझे समझ में आ गया सर इस वाले कार्बन पे तो नहीं लगेगा ओएच दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गई क्या बच गया भाई या तो इस पे लगेगा या इस पर लगेगा हाँ सर अब ये देखना पड़ेगा सर पानी का एडिशन जो होता है वो कैसा होता है भाई एडिशन होता है सर यहां पे देखो अबोधी प्लेन मिथाइल है तो धी... बिलो प्लेन क्या होगा हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन है तो अबोधी प्लेन सॉरी क... बिलो प्लेन मिथाइल है तो अबोधी प्लेन तो अब कौन होगा भाई यहां पे हाइड्रोजन होगा यस ऑन एवरी वन ये कौन होगा हाइड्रोजन अब यहां पे देखो ओवे बिलो दि प्लेन है हाइड्रोजन अबोधी प्लेन है ये आंसर नहीं हो सकता सी आंसर बिल्कुल सही है यस yes गाइस क्या सभी को इतनी बातें समझ में आ गई हैं कोई डाउट है किसी को यहां तक यहां तक किसी कोई डाउट है क्या क्या हम आगे बढ़ी क्या हम आगे चल सकते हैं गाइस यदि किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बर्थ रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस क्या बात है कितना बढ़िया क्वेश्चन है रिडक्शन केमिस्ट्री से गाइस बर्थ रिडक्शन करवाना है बेंजोइक एसिड का सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया बेंजीन के रिंग के ऊपर हमने क्या लगाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं तो ये बताओ फाइनल मुझे क्या देखने को मिलेगा बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है यहां करो एक बार खुद से कोई मुझे बता सकता है इसका क्या आंसर होगा बर्थ रिडक्शन की कंडीशन है ये सर हमारे पास बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड है तो गाइस सबसे पहले क्या करवाएंगे हम मान लेते हैं सर इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो भाई इस कार्बन पे क्या आएगा रेडिकल इस पे भी क्या आएगा रेडिकल यहां पे होगा सीओ एच कार्बन पे रेडिकल आ चुका है तो यहां पे गाइस क्या होने वाला है सोडियम हमने यूज किया है सोडियम हमने यूज किया है तो सोडियम क्या करेगा सर मेटल है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसी एक कार्बन के पास जाएगा या तो इस कार्बन के पास जाए या इस कार्बन के पास जाए बेसिकली गाइस जब मैं बात करता हूं सीओ एच ग्रुप की तो सीओ एच ग्रुप क्या होते? होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है यस सर तो हम कहेंगे सर बनने वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे क्या होगा रेजोनेंस स्टेबिलाई होगा यदि बनने वाला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या इस रेडिकल है आगे चलता हूं नेक्स्ट क्या होगा भाई यहाँ पे रेजोनेंस होगा रेडिकल विद पाई बॉन्ड रेजोनेंस जैसे आप यहाँ पे रेजोनेंस करवाएंगे मतलब होमोलिटिकल करवाएंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली मतलब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा यहां पे डबल बोन डबल बोन और यहाँ पे गाइस क्या है मेरे पास नेगेटिव है यहाँ पे सीओ एच या फिर हम क्या करवा सकते हैं उससे पहले सर लिक्विड अमोनिया भी होगा बर्थ रिडक्शन में तो हम यहाँ पे लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं पहले क्या करते हैं इस कार्बन को क्या करवा देते हैं गाइस इस कार्बन को एच पॉजिटिव दे देते हैं लिक्विड अमोनिया हमने यूज करेंगे यहां से एच यहां पे मिल जाएगा इस कार्बन के पास हम कहेंगे कि सर यहाँ पे रेडिकल है यहाँ पे coh और इस कार्बन के पास कौन पहुंच गया हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से अब गाइस क्या होगा ये अगेन रेजोनेंस करेगा मतलब होमोलिटिकल वेज इस कार्बन पे रेडिकल आएगा डबल बॉन्ड बना लेगा तो हम कहेंगे सर यहाँ पे इस कार्बन पे रेडिकल बन चुका है यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड coh अगेन गाइस क्या करेगा सोडियम मेटल है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे भाई इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे क्या है सीओ एच अब इस नेगेटिव चार्ज के पास एच पॉजिटिव कहां से मिलेगा लिक्विड अमोनिया जो हम यूज कर रहे हैं यहां से इस कार्बन को एच पॉजिटिव मिल जाएगा तो हम कहेंगे यहां पे हाइड्रोजन यहाँ पे सीओ एच नाम क्या हो जाएगा बताओ इसको जल्दी से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्जा साइक्लोहेक्जा टू फाइव डाई इन वन कार्बोग्लिक एसिड टू फाइव डाई इन वन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा वेरी नाइस nice. बिल्कुल सही आंसर है आपका गगनप्रीत जी बिल्कुल ही सही आंसर है क्या हम आगे बढ़ेगा क्या सभी को एक बार देख लो मैकेनिज्म समझ में आया कोई डाउट है किसी को भी किसी को भी कोई डाउट है चलिए आगे चलें क्या आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ वन प्रोपिन मतलब हाइड्रो ये सी यू टी दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है और हाइड्रोबोरेशन एच बी ओ आपसे डायरेक्ट ही पूछ रखी है इसका वन प्रोपिन का एच बी ओ करवा के बताओ मेरे को क्या आंसर होगा प्रोपिन क्या होता है सर सी एच थ्री सी एच डबल बोंड सी एच टू इसका मुझे करवाना है एच बी ओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पानी का एडिशन यूजिंग एंटी मार्कोनी रूल पानी का एडिशन यूजिंग एंटी रूल आप मुझे प्रोडक्ट बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पे बोलो भाई क्या प्रोडक्ट बनने वाला है पानी में क्या होता है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ एन अटैकिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन ऑफ वेरी नाइस वेरी नाइस दैट कार्बन ऑफ एल किन विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हम कहेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच वन प्रोपेनोल बन जाएगा क्या बन जाएगा इस वन प्रोपेनोल बन जाएगा यस सो नो एवरी क्या सभी को इतनी बातें समझ में आ गई हैं क्या आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई चले गाइज आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं काफी बढ़िया है ये क्वेश्चन मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से डाल दिया है काफी बढ़िया क्वेश्चन लगा हमें सी यू टी दो का क्वेश्चन है डायरेक्ट मतलब आपको टेस्ट पूछा गया है कौन सा टेस्ट है हिंजनबर्ग टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है हिंजनबर्ग टेस्ट इज कर टेस्ट दैट इज यूज टू डिस्टिंग जो हिंजनबर्ग टेस्ट होता है, टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है किसको डिस्टिंग्यूज करने के लिए होता है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है जो होता क्लोराइड, क्लोराइड, जो आपके पास हिंजनबर्ग रिएजेंट होता है एस डबल bond ओ डबल bond ओ सी एल इसको बोलते हैं भाई हिंजनबर्ग रिएजेंट हिंजबर्ग हिंजबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते भाई हिंजबर्ग ये किसके लिए होता है बी आंसर बताया वेरी नाइस प्राइमरी सेकेंडरी एंड थ्री डिग्री अमीन के लिए होता है वेरी नाइस बिल्कुल सही आंसर बताया आपने बेसिकली बेसिक इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे मतलब काम करता है यदि आपके पास वन डिग्री अमीन हुआ टू डिग्री अमीन हुआ या थ्री डिग्री अमीन तो देखो भाई क्या होता है वन डिग्री अमीन में यदि आपने क्या डाला मैं लिख देता हूं यहाँ पे एच आर रिएजेंट

जो फाइनल मेरे पास बनेगा सल्फोनामाइड वो सल्फोनाइड बेस डालने पे क्या हो जाता है उसमें सोलूबल हो जाता है टू डिग्री अमीन से जो टू डिग्री अमीन से जो सल्फोनामाइड बनता है वो भाई क्या होगा इन इन बेस बेस डालेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा उसमें इनसोलूबल, इनसोलूबल। इन बेस यहाँ पे जो सल्फोनामाइड बनेगा वो इनसोलबल होता है और यहाँ पे गाइस कोई रिएक्शन होती ही नहीं है हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है गेटिंग पॉइंट नोट आउट मैंने क्या बताया आपको वन डिग्री अमीन में वन डिग्री अमीन में यदि हम हिंजबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनता है सल्फोनामाइड बनता है उस सल्फोनामाइड में एक एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से गाइज वो आपके पास सल्फोनामाइड जो बना वो एल्कली में सोलबल हो जाता है डिग्री अमीन के केस में यदि मैं बात करता हूं तो वहां पे यदि आपने हिंजबर्ग रिएजेंट डाला बनने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है वो इनसोलबल हो जाता है बेस के अंदर. Amine, guys, हमारा बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइज ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया पढ़ लेते हैं ये क्या है भाई ये है एच आर हिंस क्या है भाई ये एच आर है उसमें मैंने डाला वन डिग्री अमीन क्या डाला भाई मैंने वन डिग्री अमीन डाला कैसे सर देखो ये वन डिग्री अमीन इसलिए है है सर ये नाइट्रोजन फर्दर एक ग्रुप के के साथ है, दो के साथ अटैच दो हाइड्रोजन तो आपको कुछ नहीं करना सिंपली पे बाहर निकाल देना है जैसे आप यहां पे एच बाहर निकालेंगे तो यहां पे बनता है सल्फोनामाइड क्या बनता है भाई सल्फोनामाइड बनता है अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है कैसा है एसिडिक हाइड्रोजन है

ऐसे भाई मैं बात करता हूं टू डिग्री अमीन की तो देखो यहाँ पे क्या है दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं टू डिग्री अमीन कहलाएगा सर एच एथसिल बाहर निकाल देंगे सल्फोनामाइड बनेगा अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो सर अब ये सल्फोनामाइड की में क्या होता है इन्सोलबल होता है और थ्री डिग्री में गाइस इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यस ऑन एवरीवन वन यहाँ पे गाइस यदि आपने बाद में क्या डाला एसिड डाल तो एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट बनता है सिंपली मतलब हम कहेंगे सर थ्री डिग्री अमीन में कोई रिएक्शन नहीं होती हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ बोलो भाई किसी को यहां तक कोई डाउट है तो भाई ये सब क्वेश्चन आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री से पूछे गए थे ठीक है भाई आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आगे होंगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में थैंक यू सो मच गाइज एंड है